हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आपको क्या बोलना है, कैसे आपको इंटरव्यू देना है। हर एक चीज़ आज इस वीडियो में बेसिक लेवल से आपको जानने को मिलेगा, ताकि दोस्त आप कहीं पर भी किसी भी प्राइवेट में जाओ, एमएनसी कंपनी में जाओ, इंटरव्यू के लिए जाओ, तो फिर दोस्त वहाँ पर आपकी बेसिक समझ डेवलप होनी चाहिए, ताकि आप वहाँ पर कुछ मिस्टेक्स ना करो। क्या होता है, बहुत से लड़कों को कुछ पता ही नहीं होता है, वहाँ पर जाकर ऐसे ही इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर ना ही तो उन्हें कपड़े का सेंस होता है, ना ही बॉडी लैंग्वेज का सेंस होता है, ना ही दोस्त वहाँ पर वो कुछ पढ़ के जाते हैं ढंग से, और उन्हें बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं पता होते हैं कि बेसिक लेवल में क्या पूछा जाएगा। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपके सारे बेसिक डाउट तो क्लियर हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर इंटरव्यू में एक्चुअल में देखा क्या जाता है, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका बर्ताव, एक्चुअल जैसे मैं बोला बिहेवियर, तो यही चीज़ नोटिस की जाती है। और जो पढ़ाई लिखाई होती है दोस्त, वो तो एकदम से जीरो लेवल की देखी जाती है, आपसे कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ही करेंगे। मेन चीज़ यही देखी जाती है कि आप वहाँ पर काम करोगे तो एक्चुअल में जो वहाँ पे मैन पावर है या फिर वहाँ पर जो मैनेजमेंट की टीम है उनके साथ कैसे ट्रीट करोगे आप, क्योंकि वहाँ पर आपको भी काम करना पड़ेगा, तो आप वहाँ पर सस्टेन कर पाओगे या नहीं, काम कर पाओगे या नहीं, क्योंकि जो काम होता है वहाँ तो सिखा दिया जाएगा, जो आप पढ़ के आए उससे उसका कोई मतलब नहीं किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है। मैनेजमेंट की टीम आती है, आपसे बात करती है, तो कैसे आप उनके साथ डील करोगे, ये चीज़ें देखी जाती हैं। ये आपके बिहेवियर से ही पता लगाया जा सकता है, आपके कपड़ों के सेंस, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस एक्सप्रेशन, आपका आई कॉन्टैक्ट, आपकी बॉडी मूवमेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सबसे सब कुछ पता लगाया जा सकता है कि आप किस तरह से वहाँ पर पेश आने वाले हो। तो दोस्त, कैसे आप अपने आप को एक बेटर शो अप कर सकते हैं, किस तरह से आप सामने वाले को भी कंफ्यूज कर सकते हैं और एक अच्छा खासा वहाँ पे अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को, ताकि अलग ही इंप्रेशन डालो आप वहाँ पर अलग लड़कों के कंपेरिजन में, और आप सिलेक्शन ले लो अदर कंपेरिजन में। जो ज़्यादा पढ़ के भी आते हैं उनको बेसिक नॉलेज नहीं होती है, वो कभी इंटरव्यू दिए नहीं होते हैं किसी कंपनी में, दोस्त उनको चीज़ें पता नहीं होती हैं। यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, चाहे प्राइवेट में चले जाओ, एमएनसी में चले जाओ, 100% आपका जो है वहाँ पर होना ही होना है। अब यहाँ पर चलिए हम जान लेते हैं कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने आपको बोला कि बॉडी लैंग्वेज का, और फिर उसके बाद मैंने बोला कपड़ों को सेंस होना चाहिए, हेयर स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ जो है ना फॉर्मल, एकदम से जिस तरह से आप स्कूल या कॉलेज में आप जाते हो एकदम फॉर्मल रखो, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ नहीं देखी जाएगी कि आप किस तरह से हाई फाई हो, या फिर आप एक मैनेजर लेवल का भी अगर इंटरव्यू कोई देने जाता है ना, तो उसको भी वहाँ पे हाई फाई ज़्यादा बन के नहीं जाना होता है, क्योंकि वहाँ पर जो टीम होती है वो देखती है कि किस तरह से पेश आने वाला है, यानी कि आपको ये देखा जाता है वहाँ पर कि आप वहाँ पर नॉर्मल रहोगे या नहीं, मतलब हाई ज़्यादा उटपटांग हरकतें, या फिर ज़्यादा हाई फाई होना, या फिर ज़्यादा काम ना करना, ज़्यादा शो अप करना, ये तो आपके अंदर नहीं है, आप एक नॉर्मल पर्सन हो कि नहीं हो, ये चीज़ मेन देखी जाती है। तो आपको तो पहले तो आपको अपने आप को नॉर्मल रखना है वहाँ पे, जिस तरह से आप अपने फ्रेंडों से या फिर आप टीचर से बात करते हो उसी तरह से सेम टू सेम बात करना है। अपने कपड़े के पहनावा में आपको एकदम से फॉर्मल यूनिफॉर्म के टाइप में ही जाना है, कैजुअल शूज़ पहन के जाना है, नॉर्मल जो आप स्कूल कॉलेज में जाते हो पहन के, हेयर कट अपना जो है, बियर्ड कट जो भी है, आप एक नॉर्मल मेंटेन करके जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका पहनावा और आपकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना। अब आता है आपका आई कांटेक्ट, फेस एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ें। तो आपसे जो भी पूछा जाए, जैसे आपसे कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप फालतू में मत हंसें, ठीक है ना, नहीं आता सॉरी सर बोलिए, आगे बढ़िए। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग तो जैसे आप इंटर कर रहे होते हैं गेट के अंदर, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, गेट खोल कर गए और कुर्सी में तुरंत बैठ गए, तो ये सारे मिसबिहेव मत करिएगा। क्या होता है कि वहाँ पर जब तक आपको बैठने को ना बोला जाए वहाँ पर बैठिए मत, जब आपको बैठने को बोला जाए तब आप बैठिए, ठीक है। और वहाँ पर आपसे जितना पूछा जाए उतना बताइए, आप फालतू ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि उनको फालतू ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअल में वो यही देख रहे होते हैं कि आप कितना मैच्योर हो, मैच्योरिटी लेवल आपका देखा जाता है। अब आपने तो आईटीआई कर लिया है या फिर डिप्लोमा कर लिया, जो भी कर लिया है आपने, जॉब के लिए आए हो, तो आपके अंदर मैच्योरिटी है या नहीं है। आप काम करते टाइम कुछ ऐसा तो नहीं बचपन वाली हरकत कर दो, या फिर ऐसे कुछ खटपंती के चक्कर में आप मशीनें ख़राब कर दो, तो ये सब चीज़ें आपके अंदर तो नहीं है। वो यही चीज़ निकलवाना चाहते हैं और यही देखना चाहते हैं, क्योंकि काम जो है दोस्त, तो काम तो इंडस्ट्री में आपको केवल एक हफ्ते की ट्रेनिंग दिया जाएगा, 15 दिन की ट्रेनिंग दिया जाएगा, एकदम परफेक्ट कर दिया जाएगा आपको, उसमें टेंशन मत लो। जिस भी इंडस्ट्री में जाते हो पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर उसके बाद ही आपको काम में लगाया जाता है, तो आप इसकी परवाह मत करो, इसमें तो आपको 100% बढ़िया कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर जब बात आती है क्वेश्चंस में, आप क्या पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, बेसिक लेवल का चीज़ें पूछी जाएगी, जैसे आप क्या पढ़े हो, कितनी सब्जेक्ट थी और कौन सी सब्जेक्ट आपकी फेवरेट थी,
और उस फेवरेट सब्जेक्ट से दो चार क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा तो उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट रिगार्डिंग आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्यों है और अब इस आपको इसके बारे में क्या पता है, ये सब चीज़ पूछ ली जाएंगे यदि आप बताओगे तो। क्योंकि फिर आपको वहीं पे जैसे आपको बता दें कि प्रोडक्शन में हमारे या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या फिर क्वालिटी में, तो फिर उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा, तो आप बताइएगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो जॉब इंटरव्यू में यदि आप जा रहे हो तो अपने आप को एकदम से परफेक्ट, बहुत ही परफेक्ट, हाई परफेक्ट मत बना के जाओ, एकदम से नॉर्मल जाओ, नॉर्मल रहो, नॉर्मल पेश आओ। जो चीज़ें आपको लगे कि मिस हैपनिंग है, मिस बिहेव है, तो वो चीज़ें मत करो। आप जा रहे हो तो वहाँ पे फालतू की बातें मत करो, या फिर आप जितना पूछा जा रहा उतना बताओ, फालतू में हंसने मत लग जाओ, जितना पूछा गया बता दो, बात खत्म। सॉरी सर बोलो नहीं बन रहा, बात खत्म। इतना सब कुछ करते हो, अच्छे से आप वहाँ पर पेश आते हो, तो दोस्त 100% आप एक अलग इम्पैक्ट डालोगे और आपका सिलेक्शन 100% होना ही है। तभी तो ये भी होता है दोस्त, जो इंटरव्यूअर होता है वो बोल देता है कि आप क्या पढ़ के आए हो थ्योरेटिकली, यानी कि वो देख लेता है कि आपके अंदर क्वालिटी है सारी, फिर वो ये क्वेश्चन कर देते हैं कि चलो आप बताओ आप पढ़ के क्या हो, वो बता दो हमको। तो बस आप बता देते हो तो बस हो गया, आपका सिलेक्शन हो ही गया, आपको वहाँ पर रख लिया जाता है। यदि आपके अंदर ये सारी क्वालिटी है, उसके बाद आपको ज़्यादा यहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई देखा नहीं जाता, ठीक है ना। आपको मेन देख लिया जाता है कि हाँ आपने पास आउट हो, मतलब आपका स्टैंडर्ड ठीक था। अभी क्वेश्चंस हो सकता है आप ना रिवाइज करके आए हो, ना पढ़ के आए हो, तो इसलिए आप भूल गए हो, लेकिन आपका स्टैंडर्ड देखकर, आपका ये क्वालिटी देखकर आपको कंपनी में रख लिया जाता है। क्योंकि ट्रेनिंग तो उनको देना ही है, वो ट्रेनिंग देकर आपको सिखा देंगे। सो धन्यवाद, चैनल विजिट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सेट मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। धन्यवाद।